अपने दुख को निगल जाओ। दुख को कभी भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। मालूम है क्यों? Everybody is self-sufficient as regards miseries are concerned. अरे के पास अपने दुख बहुत है, मैं तुम्हारे पास कम है, जरा ले लो थोड़ी सी, मेरे पास बहुत है। इसीलिए तो भगवान का स्मरण करना माने नित्य निरंतर प्रसन्न रहना। देखो भगवान कृष्ण का कभी आपने कल्पना भी ऐसा चित्र किया था क्या कि भगवान रोए जा रहे, पता नहीं 16,108 के लिए मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगा, और इतने सारे बच्चे। मालूम है भगवान को हर एक पत्नी से 10 लड़के और एक लड़की हुए थे, तो उनको ये चक्कर नहीं अब इनका एडमिशन कहाँ करा, कोई बात नहीं, घर में यूनिवर्सिटी खोल देते। देखो जहाँ आप प्रभु के बारे में सोचो ना, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। संसार के बारे में सोचो तो दुखी होगी। इसीलिए रिपीट अगेन एंड अगेन टू योर सेल्फ। हम ये नहीं बता रहे कि ये कहो ओम श्री कृष्ण चरण ममाह, जाकर के आईने के सामने बैठो और आंखें बंद करके बैठो और अपने आप को 1000 बार बताओ कि मैं प्रसन्न हूँ, मुझ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं भगवान का भक्त हूँ तो मेरा कुछ क्या बिगाड़ सकता है, जो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हे भगवान धन्यवाद, कितना आपने मुझे दिया, अब मैं किसकी कंप्लेन करूँ, सब ठीक है। ऐसा 5-10 मिनट बोलने के बाद फिर आँखों को खोलो और फिर देखो अपने चेहरे की तरफ दर्पण में, वहाँ आपको भगवान कृष्ण नजर आएंगे। नहीं तो वहाँ गए पता नहीं क्या करो, ये नहीं मान वो नहीं मान। हम अपने कल्पना से ही अपने को सुखी कहते हैं, हम अपने कल्पना से ही अपने को दुखी कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, एक बार हम किसी के घर में गए थे, छोटा सा बच्चा सो रहा था, हमने कहा भैया हम तो इसको किस करना है, इतना प्यारा है, हम इसको किस करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उस स्थान पर गया जहाँ बच्चे को रखा था, जैसे मैं उसको किस करने के लिए झुका, उसकी माँ ने आके मुझे खींचा, स्वामी जी प्लीज डोंट। ने क्यों? बोले जब तक सोता है ना तभी तक अच्छा लगता है, जब उठेगा तो राक्षस है। देखो ना, तो उस समय वो इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उस समय वो कुछ बनता नहीं। देखो इसी प्रकार से दर्पण के सामने बैठ करके देखो, अब मैं पत्नी बनी, देखो कैसा चेहरा होता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट बैठ, अब मैं माँ बनी, पता नहीं बच्चे का क्या होगा, कैसा होगा। फिर अब खड़े बैठे वहाँ, अभी अब मैं कुछ भी नहीं, आई मिस नोबडी, और फिर चेहरे के दुख। ये जो नोबडी रहने का जो आनंद है ना, वो भगवान कृष्ण का अनुभव है, वो भगवान कृष्ण का दर्शन है। इसीलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। और फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे कहने पर भगवान स्वयं आ जाते हैं। द्रौपदी के लिए नहीं आए थे क्या? और तुमको तो बताया था ना भगवान ने कि देखो वैराग्य मुक्ति के साधन है भक्ति, कलयुग में तुम केवल भक्ति ही मोक्ष को करने वाली है। इसीलिए यह सोच करके करो तो केवल भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी इति निश्चित चिद रूप सदरूपा त्वम ससर्ज परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभा। इसीलिए कलयुग के लिए हे भक्ति देवी आपका स्पेशल क्रिएशन हुआ है, यू आर बॉर्न टू लिव इन कलयुग। ये वाक्य भगवान ने अंग्रेज में कहा। देखो भाई, यदि हमारा जन्म, ध्यान से सुनना, यदि हम सब लोग कलयुग में है और कलयुग के लिए ही यदि भक्ति का जन्म हुआ है तो हमारे जीवन में भक्ति करना आसान है। कामों का अपने को परेशान मत करना,
इसीलिए तुम्हें यही करना है, और इसीलिए भगवान ने स्वयं आपको सच्चिदानंद रूपिणी चिन्मूर्ति के रूप में कृष्ण की वल्लभा, भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रियतम ऐसे भक्ति को जन्म किया दिया। और उस समय तुमने भी कहा था, बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमि चैतदा त्वां तदा अज्ञापयत् कृष्णा मत भक्तां पोषयति। तो जब तुमने कहा भगवान से कि ठीक है मुझे तो आपने जन्म दे दिया, अब मैं क्या करूं, तो भगवान ने आपको कहा कि देखो भक्ति, अब तुम्हें जाकर के मेरे भक्तों का पालन पोषण करना है। तो अपने जीवन में पालन पोषण करने वाली भक्ति माता होती है। और भक्ति क्या है? प्रसन्नता। भक्ति क्या है? आनंद। भक्ति क्या है? दुखी नहीं होना। भक्ति क्या है? किसी के दोष नहीं देखना। भक्ति क्या है? जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही। देखो, और ये सब करने में देखो सिंपल बात है, कोई नियम नहीं लेना पड़ता। समझो हो, आपने कोई नियम ले लिया, मुझे मृत्युंजय का अधिष्ठान करना है या अनुष्ठान करना है, ओम त्र्यंबकम्। देखो उसके नियम है, नियम का पालन करते हो गया। क्या नियम है? सुबह इतने बजे उठो, नहाओ गर्म पानी से, ठंडे पानी से, फिर ऐसे करो, वे करो, ऐसे गीले कपड़े, ये कपड़े, फिर जाकर ये करो। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कठिन है, मत करो फिर। लेकिन प्रसन्न रहने के लिए कोई नियम नहीं है। खाना खाते समय कैसे रहे? प्रसन्न। सोते समय प्रसन्न। बात करते समय प्रसन्न रहो। नहीं कहना है तो ना कहो, नहीं कहा ना वायरी बारकी ना कहो। देखो ये इतनी छोटी बात है संतो, इसी में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए, भगवान के कृष्ण के शब्द, यस्मान नो द्विजते लोकहा लोकान्नो द्विजते च यहा हर्षामर्ष भवे द्वेगैहि मुक्तः यः सच मे प्रियः। जो किसी के कारण ऊबता नहीं और जिसके कारण कोई ऊबता नहीं वो मेरा भगत है। तो जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई वो भक्त है। और भक्ति का प्राकट्य है कि वृथा खेद ऐसी बाले, दुखी हुए तो भक्ति भाग गई, प्रसन्न हुए तो भक्ति का प्राकट्य हो गया। और यह प्रसन्नता ही भगवान के पास ले जाने का साधन है। इसीलिए कहते हैं यहाँ कि हे भक्ति, मैंने तुमको इसलिए निर्माण किया ताकि तुम भक्तों का पोषण करो, माने भक्तों को मेरे पास ले आओ। और यही बात भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रसन्न चेतसो याचो बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है वही परमात्मा के बारे में सोच सकता है। जो दुखी है वो दुख के बारे में सोचेगा, जो रोगी है वो डॉक्टर के बारे में सोचेगा, जो सास है वो बहू के बारे में सोचेगा। देखो